HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। ये नजारा है सेक्टर 3 के शिशुशाला स्कूल का, जहां मतदान केंद्र बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से नजारा आपको नजर आएगा। महिलाएं यहां जो है मतदान करने के लिए आई हुई है, कुछ लोग मतदान करके आ चुके हैं। आप इधर देखेंगे मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं, बड़े ही कहने के उत्साहित नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर के जो है मतदान के लिए आप देख सकते हैं। वहाँ बूथ बनाए गए हैं कि लोग अपना जो है जिनको भी अपना मत डालना है अपनी पर्ची वो बनवा सके, अपने मतदान को समझ सके, अपने वोटर कार्ड को देख सके लिस्ट में कि उनका कहाँ नाम है कैसे नाम है। लगातार यहाँ लोगों का आवागमन जारी है और इससे ये सामने निकल के आती है कि लोगों का जो है ना मतदान करने के प्रति जबरदस्त रुझान देखा जा रहा है। हालांकि ये सारा पढ़ा लिखा एरिया है, सेक्टर 3 का एरिया है। अक्सर ये बात कही जाती है कि पढ़ा लिखा युवा या पढ़ा लिखा तबका वोटों में कम इंटरेस्ट लेता है, लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा तबका बेहद उत्साहित है वोट डालने के लिए। हम बात करते हैं, हमारे साथ आए हैं मैडम, आप वोट डालने आए हैं। कहा जाता था अक्सर कि पढ़ा लिखा तबका जो है मतदान को इतना महत्व नहीं देता, लेकिन आज हम देख रहे हैं सेक्टर 3 में जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी है, जबरदस्त उत्साह है, लोकतंत्र का पर्व है। आप क्या कहेंगे मतदान डालने में? देखिए, मानते हैं कि अपने वोट का अधिकार है और उसको यूज करना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। जनाब, आप वोट डाल रहे हैं, एक अक्सर ये बातें उठती है कि पढ़ाने का तकमा मतदान को अपना महत्व नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं जबरदस्त रुझान है, कहीं ना कहीं बदलाव आया है। बदलाव आया, पब्लिक को उत्साह है। लोकतंत्र का पर्व कितनी धूमधाम से आप लोग मनाते हैं? देखिए, साफ तौर पर माना कि लोकतंत्र का पर्व है। हमारे साथ और भी है लोग, लगातार आवागमन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लगा हुआ है, लोग अपना मतदान करने के लिए आ रहे हैं। तो ये चीज दर्शाती है कि कहीं ना कहीं लोगों में बेहद खुशी है इस बात को लेकर के। हम बात करते हैं, आप एक बात बताइएगा, अक्सर लोग कहते हैं ये बातें चलती है कि पढ़ा लिखा तकमा जो है वोट कम करता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं सेक्टर 3 में जिस तरीके से आवागमन, भीड़, लंबी लाइनें लगी हुई है, कहीं ना कहीं जागरूक हुआ है मतदान को लेकर लोकतंत्र का जो लोग। इसमें बेहद खुशी है जो आप बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ही जो पढ़े लिखे जो तबका है वो आज घरों से निकलकर वोट कर रहा है। पहले ये अक्सर नहीं होता था, देखने में नहीं मिलता था, पर इस बार जो हम देख रहे हैं बाहर लंबी लंबी लाइनें अंदर लगी हुई है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो पढ़ा हुआ तबका जागरूक होकर के इसमें मीडिया का भी और सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, ताकि जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए चिलचिलाती धूप है और ऐसे में निकल के आना कहीं ना कहीं नहीं माना जाता। ये लोकतंत्र का पर्व बड़ी धूमधाम से लोग मनाने के मूड में है। संडे है, संडे को दरकिनार कर मतदान को महत्व दिया जा रहा है, तो अपने आप में एक बड़ी चीज देश के रूप में। हाँ बिल्कुल, लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और ये देश के लिए गर्व की बात है, करना भी। ये देखिए, साफ तौर पे मानते हैं कि देश के लिए गर्व की बात है, करना भी चाहिए। और जो बड़ी एक सबसे बड़ी जो निकल के आती है कि पढ़ा लिखा जो एरिया है, ये सेक्टर 3 का पोश एरिया है रेवाड़ी का, कहा जाते हैं यहाँ सारे एजुकेटेड लोग रहते हैं, हाई जेंट्री फैमिलियाँ यहाँ रहती है, और वोट करने के लिए जो आई है ये अपने आप एक नई चीज है। निकल के आते हैं कि कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुए हैं और अपने मताधिकार का ये प्रयोग अच्छे बखूबी करना जानते हैं। इनको भी इस बात का एहसास हुआ है कि अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं, उनसे बात करते हैं। अम्मा जी, आप वोट करने आए, कितने उत्साहित है वोट को लेकर के? आज आपका किया आपने वोट या अभी करेंगे? कितने देर में आपका नंबर आया वोट डालने? तो 5 मिनट में। 5 मिनट में आ गया। कितना उत्साहित है वोट को, वोट करने के लिए? थे मन में सुबह से, कई दिनों से थे मन में कि हम अपना वोट डालेंगे। तो देखिए, बता रहे कई दिनों से आप बताएंगे वोट आपने किया है, कितने उत्साहित है वोट डालने के लिए? वोट डालने के लिए कितना जागरूक थे आप लोग, कितना मन में थे कि आज हम अपना वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? अधिकार होता है, उत्साह है कहीं ना कहीं वोट डाल के अपने आप को महसूस? खुश क्यों नहीं है? देखिए, ये बताएंगे, आपने अपना वोट डाला है? बिल्कुल डाला है सर, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। घर में मेरी मदर है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड। पहली बार आपने मतदान किया? नहीं, सेकंड टाइम जाना है मैंने। और वो सुबह से हम उनको वो पूछ रहे हैं कि कैसे कौन सा बटन दबाना है, कैसा है, अगर मेरे को उसको देना है तो उसका क्या मार्क है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये युवा है, बता रही है सेकंड बार इन्होंने वोट डाला है, और कहीं ना कहीं अपने वोट के महत्व को अब लोग समझने लग गए हैं। यही वजह है कि अब आवागमन लगातार यहाँ पे सेक्टर 3 के अंदर जो शिशुशाला है यहाँ लगा हुआ है, और दोपहर का टाइम है, धूप कड़कड़ाती धूप है, चमचमाती धूप है, गर्मी जबरदस्त है, उसके बावजूद भी कोई परवाह नहीं कर रहा है। सिर्फ उनको एक ही जुनून है कि वो अपने वोट का प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात, आप इधर देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है खुशियां मना रहे हैं। हमारे साथ युवा भी, आपने वोट डाला है?
हाँ जी बिल्कुल डाला है। तो लोकतंत्र का पर्व है, संडे भी है सर। संवैधानिक संरचना जो हमारी है देश की, और उसको देखते हुए और समाज के उत्थान को और देश के निर्माण को देखते हुए मतदान का इस्तेमाल करना हर नागरिक के लिए अति आवश्यक है। अति आवश्यक। आपने आपने वोट डाला? ये सब वोट डाले। क्या क्या लोकतंत्र का पर्व है, कहीं ना कहीं बड़े अबकी बार सर वोट पहले से बहुत ज्यादा डले हैं, तो नागरिक जागरूक बहुत हुए हैं। मेरे ख्याल से अबकी बार पिछली बार से भी ज्यादा वोट डले हैं। एक चीज आती थी सेक्टर टीम का एरिया पोश एरिया है, पोश एरिया। ये कहा जाता था कि पढ़ा लिखा सबका है जो वोट कम करता है वो घरों से नहीं निकलता, लेकिन हम देख रहे हैं सेक्टर टीम का पोश एरिया। मैं भी कह रहा हूँ पिछली बार और उससे पिछली बार से देखा तो इस बार वोट बहुत ज्यादा डले हैं, बहुत ज्यादा नागरिक जागरूक हुए हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। पढ़ा लिखा जो तबका है वो अभी इसमें आ गया है। देखिए ये साफ तौर पे बता रहे, पढ़ा लिखा तबका जो जिनको ये कहा जाता था कि वो वोट नहीं करते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन ऐसी गर्मी के अंदर अगर वो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव की ये बयार है, और बदलाव अपने मतदान को लेकर के आया है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करना जानते हैं, इसीलिए वो घरों से बाहर निकले हैं। कैमरा पर्सन रमेश वशिष्ठ के साथ मोहनलाल HR न्यूज चैनल रेवाड़ी। HR न्यूज YouTube चैनल की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें।